हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टीम जे टेक्निकल और मैं आपका टेक्निकल दोस्त जॉयदीप फिर से आ गया हूँ और एक केओएस रिलेटेड टेक्निकल वीडियो लेके। तो दोस्त, आज का जो वीडियो है वो है एक नॉर्मल चीज़ जो हम सब नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन उसमें कॉपी में बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारा जो ड्रम यूनिट होता है, ड्रम यूनिट के अंदर एक रबर का रोलर रहता है, उसको चार्जिंग रोलर कहते हैं, ठीक है। उसको हम कॉपी करते करते, फोटो कॉपी करते करते, इस्तेमाल करते करते उसमें एक धब्बा सा आ जाता है, एक मॉइस्चर सा पड़ता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, हम जब कॉपी करने जाते हैं कोई डार्क कॉपी, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, जो भी हो, बहुत ही डीप कलरफुल जो कॉपी होता है, उस फोटो कॉपी करने जाते हैं हम, तब देखते हैं कॉपी में धब्बा धब्बा सा आता है, स्ट्राइक सा आता है। वो कहाँ पे आते हैं, कैसे आते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता है। हम क्या करते हैं, ड्रम यूनिट क्लीन करते हुए, डेवलपमेंट यूनिट क्लीन करते हुए, हम मिरर क्लीन करते हुए देखते हैं, फिर भी हमको वो कॉपी क्लीन नहीं आता है, ठीक है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो ड्रम यूनिट खोल के वो रबर का जो रोलर, चार्जिंग रोलर होता है, उसको हम कैसे क्लीन करेंगे, ठीक है। और क्लीन करते हुए हमारा जो फोटोकॉपी है बेहतरीन आएगा, ठीक है। तो चलो मेन वीडियो में जाने से पहले एक ही चीज़ मैं बार बार आपको बताता हूँ, फिर से और एक बार मैं बताने जा रहा हूँ। पूरा देखो, ठीक से सीखो, फिर अप्लाई करो। तो चलो चलते हैं मेन मशीन पे। तो दोस्त, मैं मशीन पे आ गया हूँ। अब मैं खोलूँगा हमारा जो ड्रम यूनिट है, उसको मैं खोलूँगा। देखो ये जो स्क्रू, देखना ये ड्रम यूनिट का पकड़ने का जो ये सिंबल है, इसका साइड में ये स्क्रू रहता है, ठीक है। चलो खोलते हैं। देखो, ठीक से देखो, ये जो यूनिट है, ये जो ड्रम यूनिट का ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हमें खोलना पड़ेगा। कैसे हम खोलेंगे, ठीक है, इसको देखो, यहाँ पे एक लॉक है, ठीक से देखो, इस लॉक को दबाने से ये खुल जाएगा, ठीक है। देखो ये हमारा जो यूनिट है, ठीक है, इसको क्लीन करना पड़ेगा। देखो मैं क्लीन करके रखा हूँ, आप लोगों को इसको क्लीन करना पड़ेगा। देखो मेरा ये एकदम क्लीन है। आप इसको कोई भी कॉटन का कपड़ा लेके इसको वाटर से भिगो के इसको अच्छे तरह से क्लीन करना,
ठीक है। देखो ये क्लीन रहेगा तो आपका कॉपी भी क्लीन आएगा, लेकिन हम हर वक्त इसको नज़रअंदाज करते हैं, हम इसको छोड़ के सब क्लीन करते हैं, लेकिन कोई भी डार्क कॉपी आने से या कोई भी लाइट कॉपी आया है फोटोकॉपी, उसको फोटोकॉपी करने के लिए आप काली का परसेंटेज बढ़ा रहे हो, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, आपको अच्छे फोटोकॉपी आने के लिए इस चार्जिंग रोलर का एकदम क्लीन रहना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्पॉट आएगा, कोई भी मॉइस्चर या कोई भी स्पॉट आएगा, वो आपको फोटोकॉपी में शो करेगा। तो मैं जिस तरह आपको बोल दिया, आप उससे को कॉटन का कोई भी कपड़ा लेके वाटर में भिगो के अच्छे तरह से इसको क्लीन करना, ठीक है। उस देखो इसका सेट करना, इससे खोलना तो बहुत ही इजी है। इस क्लिप को हटा के इस क्लिप को प्रेस करके तुम इसको खोल रहे हो, लेकिन इसको लगाना एक टेक्निक है, आप इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। देखो यहाँ पे ठीक से देखो, यहाँ पे दो एक ऐसे प्लास्टिक का ठीक से देखो एक ऐसे निकलता हुआ चीज़ है, और यहाँ पे भी एक है। इसको चैनल में पहले घुसा, यहाँ पे भी ठीक से देखो, यहाँ पे भी होल किया हुआ है, देखो यहाँ पे भी दो होल है, इसमें आपको घुसाना पड़ेगा। ठीक से देखो, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरह से दिखाने के लिए। पहले इस चेंबर यहाँ पे घुसेगा, हो गया है, इधर कंप्लीट है। अब इधर पे थोड़ा सा इसको प्रेस करके हो गया है नॉर्मल सा सेटिंग, अब हड़बड़ाहट मत करना, ये हो गया है। अब इसको हम वहाँ पे सेट करेंगे, वो भी एक देखने को चीज़ है, वो भी मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ, जो आपको किसी ने नहीं दिखाया, मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ, आप ठीक से देखना। मैं आ गया हूँ, चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप इसको सेट करोगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, टोटल ड्रम पे आपका कोई भी टच नहीं, उंगली का कोई भी टच नहीं करना, ठीक है। ऐसे लो, और जो चैनल है देखो, इस जो चैनल है यहाँ पे इसको घुसा दो, ठीक है। आप ध्यान रखना यहाँ पे देखो, ये जो सफ़ेद ये चीज़ दिख रहा हो, ये यहाँ पे सेट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेगा तो आपको इस यूनिट को सेटिंग्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसको चैनल में घुसा देना, देखो वो सफ़ेद से ये सफ़ेद चैनल ये एडजस्ट हो गया है। अब ये जो लॉक है इसको प्रेस करके हटा दो, और जो ये कवर है इसको क्लोज कर दो, और स्क्रू को लगा दो, हो गया है। और ये वेस्ट बॉक्स को सेट कर लो, हो गया, ठीक है। तो दोस्त मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक तो बनता है, और आपका जो भी कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में डालते रहना, मैं कोशिश करूँगा आपका जो प्रॉब्लम है उसको ज़्यादातर हम सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे और एक केओस रिलेटेड टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय।